देखिए ऑप्शनल अगर आपको चूज करना है तो उसके लिए बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं। पहला तो ये होता है कि आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया या चल रहा है। हो गया। इवन हो गया। ओके सर मैं एमएससी कर रही हूँ केमिस्ट्री से। ओके ओके ओके। तो देखिए कैसा होता है कि ऑप्शनल के लिए बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। पहला फैक्टर तो ये होता है कि ऑप्शनल बेसिकली वो देते क्यों है कि वो सभी ग्रेजुएशन फील्ड के आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट देते हैं। अगर आप देखोगे तो लिस्ट सभी ग्रेजुएशन फील्ड की होती है कि अगर इंसान कोई भी इसमें ग्रेजुएशन कर रहा है क्योंकि उन्होंने क्राइटेरिया रखा है कि ग्रेजुएशन जिसने किया हुआ है वो यूपीएससी दे सकता है, तो इसीलिए उन्होंने सभी फील्ड के रखे हुए हैं। तो अगर आप कंफर्टेबल हो, अगर आपने आपका ग्रेजुएशन जो है बहुत अच्छी तरीके से किया है किसी भी फील्ड में, आपकी जो भी स्ट्रीम होगी उसमें, तो आप ग्रेजुएशन का चूज कर सकते हो जिससे कि आपको आसानी जाएगी। क्योंकि बाकी सब्जेक्ट्स अगर आप देखो जीएस तो वो 12th स्टैंडर्ड तक होते हैं, 6th to 12th स्टैंडर्ड मोस्टली हमें 12th स्टैंडर्ड तक देखने को मिलते हैं। तो अब ग्रेजुएशन का एक सब्जेक्ट चाहिए वो आप ऑप्शनल चूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वो नहीं आता है तो फिर उसके बाद आपको चूज करने के लिए आपको कुछ चीजें देखनी पड़ती है। सबसे पहले तो वो निकालना पड़ता है कौन से सब्जेक्ट में आपको ज्यादा इंटरेस्ट है। दूसरा ये होता है कि आपको ज्यादा कम टाइम में किस में कौन सा सब्जेक्ट आप कर सकते हो। मतलब कि फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपने पॉलिटिकल साइंस चूज किया तो आपको जीएस पेपर 2 जो होता है उसके लिए पॉलिटी करना होता है, और फिर अगर आप पॉलिटिकल साइंस चूज करते हो तो मतलब आपका एक साथ दोनों हो रहे हैं, आपका GS2 भी हो रहा है आपको ऑप्शनल भी हो रहा है। लेकिन उसमें एक पॉजिटिव एस्पेक्ट ये है कि आपको जीएस पेपर के साथ मिल रहा है, लेकिन एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये भी है कि आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा, अलग से पूरा पढ़ना पड़ेगा, पूरा जीएस के साथ नहीं हो सकता, उसका एक पार्ट है, लेकिन बहुत सारा ऐसा भी सेक्शन है जो कि पूरा आपको नया पढ़ना पड़ेगा। पॉलिटिकल साइंस आप लो या फिर हिस्ट्री लो या फिर ज्योग्राफी लो, कोई भी लो, काफी डिटेल में काफी ज्यादा आपको पढ़ना पड़ता है। और अगर आप आपका ग्रेजुएशन वाला सब्जेक्ट लेते हो तो उसमें आपको बेनिफिट ये होता है कि आपने ऑलरेडी सब कुछ किया हुआ है, आपको ऑलरेडी पता है। तो अगर आपको कंफ्यूजन है कि ज्यादा वास्ट है या फिर कम है, आपको जैसे केमिस्ट्री आपने बोला, तो आपको अगर उसमें भी चूज करना है तो आप पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख सकते हो कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, वो क्वेश्चन से मैं कितना रिलेट कर पा रही हूँ, कितने ज्यादा मेरे को आ पा रहे हैं। मतलब आपको डिटेल में सारे आंसर नहीं सोचने हैं, लेकिन आपको आपको पता है या नहीं, वो जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका थोड़ा बहुत आपको पता है या नहीं। अगर आपको 60% ज्यादा भी पता है तो आपने उस ऑप्शनल ले लेना चाहिए। अगर नहीं पता है फिर आप ऑप्शनल चूज कर सकते हो जो आपको इजी जाएगा, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है। इकोनॉमी काफी वास्ट है तो इसलिए मोस्टली जो लोग है वो पॉलिटिकल तो साइंस, वो नहीं हो रहे हैं। पॉलिटिकल साइंस या फिर ज्योग्राफी मोस्टली चूज करते हैं लोग, अगर जीएस पेपर के इसमें सिनारियों में देखा जाए तो। इस तरीके से आप एक काम कर सकते हो कि ऐसे आप थोड़ा सा सोचकर आप 5-6 ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है निकाल सकते हो। ये लिस्ट बहुत बड़ी है, अगर सब हम जाएंगे तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगा, तो इसलिए आप 3-4 जो सब्जेक्ट्स है वो अलग से निकाल सकते हो, फिर उस पे आपको क्या लगता है उस पर हम डिस्कशन कर सकते हैं। तो ऐसे आपने निकाले हैं कोई कि ये मुझे लगता है कि मैंने चूज करने चाहिए। सर मेरे मतलब साइंस स्ट्रीम से करा है तो मैंने मोस्टली वही सब्जेक्ट्स निकाले हैं जैसे कि फिजिक्स और केमिस्ट्री, जिसमें मुझे केमिस्ट्री ज्यादा सॉलिड लगा अपना एज कम्पेयर टू फिजिक्स। अच्छा, तो उसके आपने प्रीवियस के क्वेश्चंस देखे हैं कैसे आए हैं तो? हाँ मैंने सिलेबस भी देखा और प्रीवियस ईयर देखा, मतलब कुछ में तो हाँ ऑब्वियसली अटक रही थी बट बाकी तो हो रहा था। डर लग रहा था अच्छा कि लग रहा ट्वेल्थ था। में पढ़ा है, बेसिक पढ़ा हुआ था हाँ, ओके। तो इस तो फिर वजह आप, से। आपके लिए अच्छा है अगर आप चूज भी करते हो केमिस्ट्री, लेकिन केमिस्ट्री का ऐसा भी है कि आपको बहुत सारी चीजें होती है, जैसे वास्ट है वो, बट ऑब्वियस है वास्ट है। फिजिक्स अगर आप देखोगे कंसेप्चुअल है, आपको ऑप्शनल ऐसा चूज करना है जो आप साल भर पढ़ सको, है ना, तो उतना आपका इंटरेस्ट सर है ना। एक और चीज, हमने जो केमिस्ट्री में पढ़ा है तो हम लोग मोस्टली पॉइंट टू पॉइंट चीज लिखते हैं, तो क्या ऐसा होता है कि ऑप्शनल में अगर आपको ले रहे हो तो उसमें खूब सारी थ्योरी और बहुत सारा मटेरियल लिखना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं होता। जो आपको क्वेश्चन पूछा है उसी पर आपको पॉइंट टू पॉइंट लिखना होता है। इनफैक्ट जो आपने ग्रेजुएशन में लिखा है उससे ज्यादा क्रिस्प तरीके हाँ से यहाँ पर लिखना पड़ता है। वहां ऐसा होता है कि अगर आपने पेपर भर भी दिए तो भी चल जाएगा, आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है हाँ स्पेसिफिक पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना होता है। आप मतलब आपको पूछा अगर H2O के बारे में गया है तो आप फालतू का इथेनॉल विथेनॉल के बारे में नहीं लिखोगे, मतलब एग्जाम्पल बता रहा हूँ, तो हाँ इस आपको पॉइंट टू पॉइंट ही लिखना होता है। अच्छा। और सर सारे सब्जेक्ट्स के नोट्स बनाना के लिए जरूरी है? नोट्स देखें, नोट्स का फायदा क्या होता है, अगर आप हैंड रिटन नोट्स होते हैं ना तो आप याद जल्दी कर सकते हो, रिकलेक्ट जल्दी हो जाएगा आपका, क्योंकि आप सोच भी रहे हो आप लिख भी रहे हो, तो आपकी आंखों से भी जा रहा है और आपके कानों से सुनाई भी जा रहा है। तो इससे क्या होता है कि आप जब एग्जाम हॉल में हो और आपको कुछ याद नहीं आ रहा है तो आपके आपके नोट्स नजर आएंगे,
अगर आप इमेजिन करोगे तो आपको आपके नोट्स जो है वो दिखाई देंगे कि मैंने क्या लिखा था। तो ये एक फायदा होता है जब हम हाथ से लिखते हैं। और हाथ से लिखना मतलब ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ देख के लिख रहे हो, हाथ से अगर लिखना है आपको तो उसका एक बेस्ट वे होता है कि आपने जो भी पढ़ा है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के बारे में पढ़ा है तो आपने वो पढ़ लिया, उसके बाद आप लिख कर देखिए जो भी आपको आपको याद आ रहा है, बिना देखे लिख कर देखिए जो भी आपको याद आ रहा है। फिर उसके बाद आपको जो भी छूट गया है वो आप उसमें इंक्लूड कर सकते हो। उससे क्या होगा, आपका रिविजन भी हो जाएगा वही के वही, और उसी के साथ साथ जो आप भूल गए थे वो आपको परमानेंटली याद रहेगा, हमेशा के लिए याद रहेगा कि मेरा यहाँ पर रह गया था। तो ये एक बेनिफिट होता है हाथ से लिखते हैं। वही अगर हम नोट्स उस तरीके से बना रहे हैं कि हाँ ये देख के अच्छा ये यहाँ पर है, गांधी जी यहाँ पर आए, ये हुआ, फिर उसमें मजा नहीं है। फिर क्या पीडीएफ पढ़ो क्या और अपने हाथ से बने नोट्स पढ़े क्या, वही की बात है।